अमीर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपका पैसा आपको पैसे कमा कर दे। इसका एक तरीका मैंने आपको बताया था, सस्ते दाम पे लो और ऊंचे दाम पर बेचो, और ये काम लगातार करते रहो। कुछ और भी तरीके हैं जहां पर पैसा आपको पैसा कमा कर दे सकता है, जिसमें से एक है डिविडेंड इनकम। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर लिया, अब भले शेयर का भाव बहुत तेज़ रफ्तार से नहीं बढ़ रहा हर दिन, लेकिन वो कंपनी आपको हर कुछ वक्त पर अपने मुनाफे का हिस्सा दे रही है डिविडेंड के तौर पर, तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है अपने रफ्तार पे, साथ ही आपको शेयर से हर कुछ वक्त पर कमाई भी हो रही है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास कोई घर है, आपने उसको रेंट पे दे दिया, अब घर की वैल्यू तो हर साल बढ़ती चली जा रही है, लेकिन साथ ही आपको हर महीने कमाई भी हो रही है रेंटल के तौर पर। दूसरा तरीका जहाँ आप पैसा कमा कर दे रहा है, वो है इंटरेस्ट इनकम। ये सब हम जाने अनजाने करते रहते हैं, बैंक में आपके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं, चाहे आप FD करके रखते हैं तो आपको वहाँ से इंटरेस्ट आता रहता है। आजकल कुछ कंपनियाँ भी FD लेकर आती हैं हर कुछ वक्त पर, तो जिनका FD रेट, जिनका इंटरेस्ट रेट इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जो अमीरी की सीढ़ी पर तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ते हैं ना, वो इन तीनों रास्तों का सहारा लेते हैं। अब आपको देखना ये है कि इस वक्त आप इन तीनों में से किस रास्ते का सहारा लेने की हालत में है।